दोस्तों भगवान के तो हर पल ही याद करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान के सुतते उठते बोलते भगवान को हरदम याद करना चाहिए। कहते हैं ना कि जब मुसीबत पड़ गए तो कहते हैं कि हे भगवान हमारा रक्षा करी, हमारा के भगवान भी नहीं सुनता या ना, तो भगवान क्यों ना सुनियन, भगवान सबके सुना ला। कहते हैं कि भगवान, कहते हैं क्वेश्चन में करते हैं कि भगवान किसी ने देखा है? कहते हैं कि तेरे बाप ने जब पैदा किया था तो तूने देखा था कि मेरे बाप ने पैदा किया है, किसी और ने पैदा किया है, तो इसीलिए भगवान है। कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखते नहीं, भगवान को सब भगवान को दिखता है। कहते हैं कि भगवान को ऊपर वाले को सब दिखता है और इंसान को दिखे ना दिखे, तो कहते हैं कि भगवान के चरण में लगे रहोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान के इधर उधर छोड़कर अपने भगवान को चरण में ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा के बात है, बहुत बढ़िया के बात। जब पेट में होता है तो कहता है कि भगवान हमें जल्दी से निकालिए नरक से, हम नीचे जाके मैं पाठ पूजा भक्ति करूँगी। जब नीचे आ जाता है तो कोई किसी को सुनता है नहीं, सुनता है ना पाठ ना पूजा, फिर वही चोरी दंगा। अच्छा अगर बढ़िया हो गया तो जिंदगी सफल जाता है माँ बाप का। और जब वह बच्चा कुलायन हो जाता है तो माँ बाप के और मुसीबत डालता है, ठीक है। इसलिए कि अपनी कर्म के ही दोष देना चाहिए, इंसानों के कभी दोष नहीं देना चाहिए। कोई कुछ हो जाए तो इंसानों के दोष नहीं लगाना चाहिए, अपनी दोष लगाओ, अपनी करो कि हमारा एक कर्म के जो लिखा हुआ था वही मिला है। हमारा कर्म में अगर ऐसा है तभी तो मिल रहा है, तो इसलिए अपनी कर्म साफ करिएगा तो आगे में है फिर अगर अच्छा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो के अगर लाइक या शेयर कीजिएगा, आगे से आगे बढ़ाइए आप लोग। तो अगर कहते हैं कि भगवान के चरण में लगिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, इधर उधर बातें छोड़कर अपने काम काज में दीजिए ध्यान, अपने बाल बच्चा में रख दीजिए, अपने दुनियादारी में दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा तो चीज़ है अपने ईमानदारी का चीज़ है, ईमानदारी से रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा। थोड़े लेट मिल जाएगा कोई बात नहीं, सब्र है, सब्र करिएगा तो सब कुछ मिलता है।